जवानों को रिएक्शन फोर्स मोड पर तैनात किया जाएगा। रेंजर्स और एफसी के जवान भी मौजूद होंगे, जबकि साबिक अमीर जमात इस्लामी आजाद कश्मीर अब्दुल रशीद तुराबी पार्टी से फारिग, पीटीआई उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हुए थे। वतन के दिफा के लिए जान से बढ़कर कोई कुर्बानी नहीं हो सकती। कौम को वतन के लिए कुर्बानियां देने वाले हीरोज पर फख्र है। मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान के दुश्मनों की साजिशों को नाकाम बनाएगी। आर्मी चीफ के शहीद कैप्टन बासित के घर आमद पर गुफ्तगू, अहलिया भी हमराह थी। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए फातेहखानी। ईद उल अज़हा का दूसरा रोज घर घर दावतों का एहतमाम, चटकारेदार पकवानों की खुशबू महकने लगी। बिरयानी, कबाब, कोरमे और दीगर डिशेज से दस्तरखान सज गए। बारबेक्यू का भी खूब इंतजाम। टूरिस्ट का सियाहती मकाम करो पार्क बंद होने पर बच्चा पार्टी की घरों में ही मौज में। कराची में इंतजामिया की नाअहली, ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सफाई का फुकदान। कई इलाकों में आलाइशें उठाई ना जा सकी, ताफुन फैलने लगा। लाहौर में आलाइशें उठाने का काम जारी। उस्मान बुज़दार का बगैर प्रोटोकॉल शहर का दौरा, कहा आलाइशों को जल्द उठाया जाए। सफाई पर कोई समझौता नहीं होगा। इस्लामाबाद में सीडीए आलाइशें तल्ख करने में मसरूफ। कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश फिर बरसने को है तैयार। शहर में 24 जुलाई से बादल फिर जमकर बरसेंगे, महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कहा खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव कल फिर में दाखिल होगा। कराची और हैदराबाद समेत कई शहरों में जमकर बारिश होगी। नया सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहेगा।